Hello, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel Kiki Vlog. So अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन से और ये है मेरी कज़न सिस्टर, ये है मेरी सिस्टर. सो हम लोग जा रहे हैं घूमने और साथ में हमारे और भी लोग हैं इधर, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेट्रो का. सो आज हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह, आपको दिखाएंगे. ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए केबी ब्लॉग. ओके, आज आपको बहुत अमेजिंग जगह, आप भी जा सकते हो फैमिली के साथ, पूरी प्लानिंग कर सकते हो जाने का संडे के दिन, बिकॉज़ एक ही दिन तो मिलता है यार, जिस दिन तुम अपने आराम से जी सकते हो. तो आज दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग सी जगह, तो बने रही केबी के साथ, केबी के सफर में, देखते रहिए केबी ब्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड गाइस. सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है प्रगति मैदान. प्रगति मैदान से ही आगे ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ हम लोग जा रहे हैं. गाइस फाइनली हम प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से हार्डली 3 मिनट का रास्ता है, तो वॉक करके जाएंगे. हाँ, एंड फैमिली के साथ है तो फिर मज़ा आएगा वॉक करते हुए. बने रहिए केबी ब्लॉग के साथ, आपको अमेजिंग व्यूज़ दिखाने वाले हैं और जहाँ जाने वाले हैं आपको इंट्रोड्यूस करते हैं विद इन 5 मिनट. तब तक के लिए बाय बाय. वीडियो बाय रे मेरे साथ के लोग, ये रही मेरी माता श्री. यहाँ पे कुछ लोग हमें मिल गए थे जो मेरा वीडियो देखते हैं उत्तराखंड से. सो वीडियो बनाना एक्चुअली उन्होंने मना कर दिया, सो दैट्स व्हाई मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट अच्छा लगा. एंड अभी आपको दिखाते हैं अच्छी जगह से, अच्छी जगह. बाकी देखिए कितना अच्छा बन गया हमारा प्रगति मैदान. हम ये ऑलमोस्ट कितने साल हो गए थे हमें बोल ले कुछ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति व्लॉग. सो गाइस, आज जा रहे हैं हम प्रगति मैदान. आज हम जा रहे हैं सब घूमने के लिए, इन्हें पकड़ने कर. तो गाइस कहाँ जा रहे हैं सब घूमने? हस्तकला स्टेडियम. हाँ तो सुन लिया होगा आपने. और क्या? नेशनल क्राफ्ट ऑफ म्यूजियम. नेशनल क्राफ्ट ऑफ म्यूजियम, ठीक है. तो आ जाइए हमारे वीडियो. सुप्रीम कोर्ट का गेट नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हैं. गाइस इतना डेवलप हो गया ना अभी प्रगति मैदान, बहुत अमेजिंग. आप वैसे भी घूमने जा रहे हो ना विदाउट एनी, मतलब वैसे फैमिली के साथ वैसे भी अगर जा रहे हो ना तो बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज ये जो जहाँ पे ट्रेड फेयर होता है, ट्रेड फेयर के बाहर भी आई मीन इतना अमेजिंग, इतना अच्छा तुम्हें लगेगा नहीं आप, मतलब ऐसे इंडिया जैसे आउट ऑफ कंट्री में जैसे बने होते हैं ना पूरे सड़कें, पूरा एटमोसफेयर, पूरा व्यूज़, ग्रीनरी एंड ऑल, सो सारा ऐसे ही मेनटेन करा हुआ वहाँ पर. तो अगर आप जाओगे देखना ज़रूर, अब मज़ा आएगा आप लोगों को ऐसे घूमने में भी ना, तो जाना ज़रूर यहाँ पे देखने. साड़ी का सुरपन खाए ज्योति, ये है मेरी बुआ की लड़की ज्योति, जो कि ये है इतनी फेमस. देखो मेरी यहाँ तस्वीरें लगी है. तस्वीरें मतलब वो मूर्ति स्टैचू बना हुआ है. हाँ भाई गाइस, इसका इंग्लिश बोलने नहीं आ रही. कोर्ट के आगे गाइस, आई एम सुप्रीम कोर्ट के आगे. देखो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो गाइस आप फोटो नहीं खिंचाते हो मेरे साथ, सो सैड.
में खड़े रह के कितना मस्त आया। और वीडियो तो बनाई हुआ है, हां चालू है, हां चालू है वीडियो। तो गाइस देखिए ये मैंने बनवाए यहां पे। देखिए ना ये जो होते हैं ना लोगों के लिए फोटो खींचने के लिए बहुत ठीक है, आप भी आ सकते हैं, अभी फोटो खींचा रही है। देखिए क्या मतलब है ना, क्या ये समझ गए होंगे, हाँ विंग्स है। किसके विंग्स? जिनके होते हैं चिड़िया कबूतर जैसे नहीं होते कैसे मैंने बनवाए हैं ऐसे। क्या सोच के, क्या क्या लॉजिक था इसके पीछे? लॉजिक ये था कि लोग फोटो खींच पाए। तो मतलब फोटो खिंचवा पाए, कितना अच्छा नजारा दिख रहा है, देखिए ना आप पहले। अच्छा दिखाएं मेरा, अभी आते हुए मैडम आपकी भी खींच ले। हाँ ठीक आ जाओ। गाइस अपने ब्लॉग का एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ। आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली एंड ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे जहां हम जाने वाले नेशनल क्राफ्ट ऑफ म्यूज़ियम, वहां का इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है, यू विल गाइस आपको रियलाइज़ होगा कि यस हमें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए और हमें अपने न्यू जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन है, ये जो नई जनरेशन उसको दिखाना चाहिए कि हमारे पुराने ज़माने में कैसे कैसे लोग काम करते थे, किस किस चीज़ का यूज़ करते थे। तो वो ट्रेडिशनल पूरा इंडियन कल्चर को दर्शाया गया है। आई होप सो आपको पसंद आएगा नेक्स्ट ब्लॉग, तो ज़रूर देखना नेक्स्ट ब्लॉग मेरा। एंड गाइस आपको सीरियसली आपको मज़ा आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको रियलाइज़ होगा कि यस जाना चाहिए और आप डेफिनेटली जाओगे बिकॉज इतना अमेजिंग जगह है ना, कोई चाह के भी खुद को रोक नहीं पाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।